रिकॉर्डिंग शादी का शो है, शादी ब्याह का, और रात को 9 बजे मेरा एक शो है तो बात पक्की, जो हम दिखाते हैं जिसमें जिनकी शादी तय हो गई है और उन कपल्स के साथ, उनकी फैमिली के लोगों के साथ बड़ी अच्छी बातचीत होती है। शादी तय हो गई है, अब उस लड़की को उस घर जाना है, वो दामाद उस घर का होने वाला है, तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और ये कैसे माहौल में हो रही है, दोनों फैमिलीज की क्या बातचीत है। और मैं आपको बताने में मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बताना कि जो कल जो शो टेलीकास्ट हुआ तो उसमें जिस लव मैरिज हो रहा है, लव मैरिज कर रहे हैं, और उस लड़की ने ये कहा उस शो में कि जितनी खुल के बातचीत हमारे 5 साल के रिश्तों में हम दोनों में नहीं हुई है, उतनी आपने 1.5 घंटे के शो में, 1 घंटे के शो में आपने हमसे करा दी, और इनके इनसे भी और इनके परिवार वालों से भी। तो वो एक चीज़ ना जिससे परिवार कैसे एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करना चाहता है, ये सारी बातचीत है। ज्वेलरी पे एक शो है गोल्डन ब्यूटीफुल जो हमने अभी लॉन्च कर दिया है, वो आता है। ये तमाम करीब 5-6 घंटे की प्रोग्रामिंग के साथ हमने अपने ये शोज लॉन्च कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में एक एक करके जिसमें इसमें कुछ शोज हमारे वीकेंड के हैं जो इस वीकेंड से शुरू हो गए, इसमें जिंदगी शादी से पहले शादी के बाद कल से शुरू होगा, परसों से शो वो है जिसमें सेलिब्रिटी से बातचीत करते हैं कि कैसी उनकी जिंदगी शादी से पहले थी, कैसी हो गई शादी के बाद। और उस शो में भी आने वाले दिनों में आम आदमी को लाने वाले हैं कि आम आदमी बताएगा अपना एक्सपीरियंस कि उसकी लाइफ कैसे बदली है, वो भी हम करने वाले हैं। तो ये सारे शोज हैं, धीरे धीरे कुछ शोज और हैं जो हमने इसे प्रपोज कैसे करना है, हम उसे शादी करोगे विलियो मैरी मी, तो ये एक शो हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो अगले 1 महीने में हमारे प्रोग्रामिंग्स में कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, अभी हम 6 आवर्स स्लॉट्स। एक आखिरी सवाल है, हालांकि उसका जवाब कुछ आपने दिया है पर मैं अलग से उसका जवाब चाह रहा हूँ। चैनल लॉन्च हो गया, शुरुआत हो गई, काम शुरू है, कंटेंट वगैरह जो भी है, अगले 6 महीने में आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप चैनल को अपग्रेड करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएँ। देखिए, दरअसल अब मेरी कोशिश ये है कि इस देश में लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मैरिज को लेकर के मिले, जानकारी के लिहाज से, जो मेरा पहला प्रयास है, चाहे वो लड़का लड़की ढूंढना हो या उन शादी की खरीदारी करनी हो या उस सिलसिले में कुछ और भी जानकारी लेनी हो, उनकी कुंडली मिलानी हो, उनसे बातचीत करनी हो, उनके गहने खरीदने हो, या उनके हनीमून पे जाना हो, या उनके फैमिलीज में कोई ऐसी समस्या हो जिससे निपटना हो। अगले 6 महीने में मेरी कोशिश यह है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन शगुन दे एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर सारी देश की जनता को कि ये एक जगह है जहां से हम कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेज में हम एक ब्रिज का काम करेंगे, दैट कंटेंट प्रोवाइडर, इट मीन्स कि मार्केट और पब्लिक। आज हमने बता दिया कि इस डिजाइनर के कपड़े खरीदे, आज हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, कल को हम ये बताएंगे इस डिजाइनर के कपड़े खरीदने के लिए अगर आप इस डिजाइनर से संपर्क नहीं हो पा रहे तो आप हमें करिए, हमारे जरिए भी आप खरीद सकते हैं। ये हमारी अगली प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन फर्स्ट फेज में सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है। और 6 महीने जैसा मैंने सोचा है, अगर हम उस ट्रैक पे चलते रहे तो इस देश के तकरीबन 50 शहरों में अपना सेंटर खोलने जा रहे हैं शगुन का, और उस दिशा में फिर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि शादी तो ऐसी चीज है कि जो होनी ही है, इसको रोका नहीं जा सकता।
mediaakhbar.com से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। बंद हो गया है।